ओ चाचा बहुत चौड़िया रहे हो, क्या बात। हाँ चौड़िया रहे, तुम्हारी आते का यहीं थी जा रही। अरे बेफाल तुम चौड़िया रहे हो ना। अरे टोपा होगा एकदम। सर रतन टाटा थे गालबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियां इंट्रोड्यूस कराई जो कि तीन पहियों पे चलती थी, दैट वाज सिमिलर टू रिक्शास आउट देयर। टोपा आदमी मतलब ऐसे ऐसे टोपा आदमी हमको मिल जाते हैं कभी कभी के मतलब ऐसी। अच्छा चाचा एक बात बताओ, क्या टोपा क्या होता? टोपा जाड़े में लगाया जाता। जो आदमी दिमाग से पैदल, बुद्धि से गधा, अकल से बैल होता है वो को हम कहते टोपा। ये है टोपा आदमी। और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियां इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। का जितना भी जीडीपी है टाटा इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एज वेल। टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक इन कॉर्पोरेट टर्म्स, तो वो तो बहुत आगे हैं। रतन टाटा ने एक तो सबसे पहले शादी नहीं करी, उन्होंने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम महवेशनाल और आज हम बात करेंगे टाटा एम्पायर्स की। टाटा एम्पायर्स इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसको बिजनेस टाइकॉन भी कहा जाता है और उसकी इस वक्त नेटवर्क की वर्थ $1.23 billion है। जी हाँ, एक कंपनी की नेटवर्क जो है वो $1.23 billion है, जबकि पाकिस्तान का टोटल GDP अगर देखा जाए तो वो 2.63 बिलियन बनता है, जो कि कंपैरेटिवली इंडिया बहुत कम है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि कंपैरेटिवली इंडिया पाकिस्तान का टोटल GDP उनकी एक कंपनी के मुकाबले हमारा GDP इतना कम जा रहा है। इसकी क्या वजह है, क्या पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा या करना नहीं चाह रहा, और इंडिया की उस कंपनी की इतनी तरक्की की क्या वजह है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अहमद अब्दुल्ला। मेरा नाम मुस्तफा है। इब्राहिम, टाटा एम्पायर्स के बारे में तो पता होगा, बिजनेस टाइकॉन कंपनी है इंडिया की जो कि इतना आगे जा रही है, आपको क्या लगता है इसकी तरक्की की क्या वजह? बिल्कुल, टाटा को कौन नहीं जानता, ये तो वो ऐसी कंपनी है जिसकी केस स्टडी हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज के अंदर बताते हैं, बिकॉज बहुत कम टाइम के अंदर इन लोगों ने इतने सक्सेसफुल हो गए कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए, स्कूल्स खोल लिए, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर चले गए और इतना स्ट्रांग हो गए कि इनकी पूरी जो ग्रोथ है कंपनी की इट्स ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड, और इनकी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ से भी अगर आप कंपेयर करें तो इट्स इक्वलेंट और प्रॉब्ली मोर देन दैट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम। तो इट इज़ अ ग्रेट कंपनी। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन, के क्यों इनकी कंपनी का क्या राज है सक्सेस का? सो इनकी कंपनी का ये राज है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टाटा के जो ओनर हैं उनके बारे में, और उन्होंने कहा था कि हमेशा बिजनेस वो होता है कि आप पूरी दुनिया के अंदर कोई गैप होता है, आप उसको अंडरस्टैंड करें और उस गैप को फुलफ़िल करें। जब आप उस गैप को फुलफ़िल कर लेते हैं तो इवेंचुअली वो सोल्यूशन बन जाते हैं लोगों के लिए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल लें टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स ने सस्ती गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई जो कि तीन पहियों पे चलती थी, दैट वाज सिमिलर टू रिक्शास आउट देयर, और जब वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड उन्होंने गाड़ियां इंट्रोड्यूस कराई तो वो आम आवाम जो कि पहले मोटर बाइक्स पे जा रही थी, साइकिल्स पे जा रही थी, अब वो गाड़ी अफोर्ड कर पा रही थी। सो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी, ऑल इन ऑल वो ऐसे काम कर रहे थे जिससे कंट्री का फ़ायदा हो रहा था और आवाम का फ़ायदा हो रहा था। सो आई फील द क्रक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ टाटा मोटर्स इज़ द फैक्ट कि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते हैं, सच्चे दिल से काम करते हैं और मुहिब्बे वतन है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो बहुत लो कॉस्ट और मैसेस को वो लोग करते हैं, केटर कर रहे हैं, जितने भी आम आदमी आम लोग हैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं, उनके जो बड़े ट्रक्स हैं वहाँ से लेके छोटी गाड़ियों तक, टाटा नानो और इस तरह की इनकी जितने भी वो हैं लाइन है पूरी, वो बहुत कन्वीनियंट है लोगों के लिए परचेस करना और इस्तेमाल करना, तो इनकी मतलब वैल्यू बहुत अच्छी है जो ये ऑफर कर रहे हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर इंडिया में बहुत सस्ती लेबर है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, फिर यहाँ से खैर वेंट ऑफ। तो फिर मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं कि टाटा एम्पायर के बारे में तो आपको पता होगा कि इंडिया की एक ऐसी बिजनेस टाइकॉन कंपनी है जिसकी नेटवर्थ $1.23 billion है, जो कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है उसकी तरक्की की क्या वजह? आई थिंक गुड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि स्टार्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि जो सर रतन टाटा थे गालबन, तो उन्होंने ना सबसे पहले लेबर राइट्स इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, क्योंकि एज फार एज आई नो उससे पहले लेबर राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक एजुकेशन एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि आई थिंक जहाँ इंडिया में वो थी
तो वहाँ बहुत मतलब इट वॉज क्वाइट हॉट और बड़ा बॉक्सिंग किस्म का था, तो उसके बाद उन्होंने वो किया. उसके बाद उनकी वजह से ही एक्चुअली लॉबीड इन टू द इंडियन गवर्नमेंट और उन्होंने फिर ये लेबर राइट्स ही मेड इट ऑफिशियल इन इंडिया. दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स जिस वजह से उनके पास ही हैड ऑलवेज चीप लेबर फ्रॉम द स्टार्ट. एंड आई थिंक उनके पास अच्छा कैपिटल भी था, फिर एक विजन थी. फिर जिस तरह टाटा ने अल्टीमेटली आई गेस रेंज ओवर एक्वायर की, जैगवार मोटर्स एक्वायर करी, तो वो इतने बड़े स्केल पे फिर खुद ही आ गया. एक आई गेस इसके अलावा भी उनके काफ़ी एक कॉन्ग्लोमरेट है कंपनीज का जिसमें छोटे छोटे सब बिजनेसेस हैं. तो आई गेस दैट्स द रीज़न. सबसे पहले तो मैं उनके बारे में, रतन टाटा जो उनके ओनर हैं जो, तो उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि रतन टाटा ने एक तो सबसे पहले शादी नहीं करी, उन्होंने अपना सारा कुछ इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर. दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए वो कितना करते हैं कि इनफैक्ट वो अपने एम्प्लॉइज़ के घर जाके उनकी तबीयत का पूछते थे अपनी जवानी में. तो इस तरह की कमिटमेंट जो है एक उसके लिए जो नॉर्मल एम्प्लॉइज़ हैं वो काफ़ी आगे बढ़ के काम करने की करते हैं. दूसरी बात उनकी कंपनी का अगर आप सक्सेस का पूछें तो उनकी कंपनी का सक्सेस जो है वो सोलली बेस्ड है कि उन्होंने इंडिया के लिए काम किया, उन्होंने इंडिया के मार्केट कैप्स को डिस्कवर किया. फॉर एग्जांपल उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो एक एक लाख की, दो दो लाख की उन्होंने गाड़ियां निकाली, जिसकी ऑब्वियसली के जो उनकी एवरेज आवाम है उनके लिए काफ़ी एक्सेसिबल हो जाती है. तो इस तरह से गैप्स डिस्कवर करके, इंडिया के लिए काम करके, लोगों के लिए काम करके उनकी कंपनी की सक्सेस काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बढ़ी. अगर कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स के कंपैरेटिवली हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखा जाए तो ये बहुत लो है. As you know के यहाँ का जो GDP रेट है 2.36 बिलियन. कंपैरेटिवली टाटा मोटर्स अगर एक और कंपनी बन जाए इंडिया में, एक और कंपनी वैसी बन जाए तो बहुत आगे चला जाएगा इंडिया, और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जीरो पे रह जाएगा. पाकिस्तान महज एक एक्सपोर्ट कंपनी, इम्पोर्ट कंपनी बन के रह गई है. एक्सपोर्ट्स खत्म होते जा रहे हैं यहाँ से, क्या वजह इसकी? देखिए इसकी वजह हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रह चुकी हैं. लेकिन टुडे एज वी स्पीक आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. मैं जो सीपेक का प्रोजेक्ट है या जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आप देख सकती हैं हमारा जो है GDP बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हमारा ट्रेड, नेट ट्रेड जो है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज़ इंक्रीजिंग. इवेंचुअली थैंक्स टू कोविड हमारा एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रही है. सो आई फील ये जो आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा पा रहा है, या इंडिया के अंदर टाटा जैसी अगर एक और कंपनी रह आ जाती है तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आई फील आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से इसको देखें. और सीपेक एक वाकई नेमत है पाकिस्तान के लिए. अगर सीपेक आ जाता है पाकिस्तान के अंदर और आ रहा है, जिस तरह आप नॉर्थ जाके देखें रोडें बन रही हैं, मशीनरी आ रही है, चीज़ें हो रही हैं, सो आई फील अगर 5 years down the lane CPEC हो जाता है, टूरिज्म आ जाता है, तो पाकिस्तान भी किसी से कम. टॉप आदमी मतलब ऐसे ऐसे टॉप आदमी हमको मिल जाते हैं कभी कभी के मतलब ऐसी. बड़ा जो अब चेंज आ रहा है हमारे पाकिस्तान में भी, चीज़ें जो हैं बहुत हद तक बेटर हो रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है उसके बावजूद भी क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इंडिया की टाटा एम्पायर को कम्पीट कर सकती है? मुश्किल है. अब ऑब्वियसली बहुत बड़ी मार्केट है वो, इन नंबर्स अगर आप देखें तो प्रोपोर्शन वाइज ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि हम लोग उस लेवल पर पहुंच जाएंगे या एग्जैक्ट नंबर्स में हम उतने हो जाएंगे, दैट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट बिकॉज उनका साइज बहुत बड़ा है हमारे से. हाँ, अगर आप प्रोपोर्शन के ऊपर देखें तो डेफिनेटली वी कैन डू इट, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं हमारे ऊपर भी. ज़ाहिर है चाइना की तरफ से ये वो कॉस्ट, हमारा कॉस्ट मीट करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए. अच्छा, टाटा एम्पायर जो है उसके पीछे जितनी मेहनत है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, एनर्जी की, दिमाग की, इतने सारे लोगों की, उस सारों के कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं, कोई चीज़ लॉन्च करते हैं या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस चीज़ को आगे जाने के लिए हमारी इकॉनमी को कितना सपोर्ट करना चाहिए? हमारी इकॉनमी उस लेवल की है? हमारी इकॉनमी तो डेफिनेटली उस लेवल की, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल भी बहुत है हमारे पास, बट वहाँ पे इशू ये आ जाता है कि अनलेस गवर्नमेंट बैकिंग नहीं होती है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे ऑन द मोन सेल्स. तो आप देखें अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्सेस के अंदर आपको रिबेट देनी पड़ेगी, आपको पावर देनी होगी, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो वो जब तक नहीं होंगी तब तक हम लोग, कहने को तो एक प्रोटेक्शनिस्ट इकॉनमी है, हम लोग बाहर से लोगों को नहीं आने देते, महंगे प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हम लोग दे रहे हैं ताकि हमारी लोकल इकॉनमी बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम लोकल इकॉनमी के पास कुछ हम ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं दे रहे हैं. हम लोग उनको सस्ती बिजली नहीं दे रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल ही सस्ता दे रहे हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, डॉलर रेट महंगा हो रहा है, फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल जोन्स अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे अगर वो हम सर्विसेज देते हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट. मुझे इतना पता है कि टाटा मोटर्स पूरी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, मतलब पाकिस्तान में तो कोई चीज़ आती नहीं है, मतलब दे एब्सोल्युटली स्मोक
in corporate terms, तो वो तो बहुत आगे हैं. मतलब we have a lot to learn from them. Comparatively, Tata Empires पाकिस्तान में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है. आपको क्या लगता है, क्या हमें टाटा जैसे प्रोडक्ट्स को देख के उनसे जो है हमें इंस्पिरेशन ले के उनसे मोटिवेट हो के हमें ऐसी चीज़ें अपने मुल्क में नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क से लालच, करप्शन ये सब ख़त्म करनी चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ के अपने मुल्क के बारे में सोच सकें, अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोच सकें और मुल्क को बेहतर किस तरह बनाना है उसके बारे में सोच सकें और उस टाइप के फिर प्रोडक्ट्स निकालें. वही बात है कि टाटा ने 1 लाख की गाड़ी निकाली. क्यों निकाली? क्योंकि उसको पता है कि जो मास आवाम है वो अफोर्ड नहीं कर सकती 10-10 लाख की गाड़ियाँ, 20 लाख की गाड़ियाँ. वो 1 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकती है, छोटी हो बट फैमिली 4 लोग की, 5 लोग की आ जाए उसके अंदर. तो हम अगर हम इस तरह से सोचें तो और काफ़ी इंडस्ट्रीज इस तरह से खड़ी हो सकती हैं जो कि आवाम के लिए एक्सेसिबल हो. आपको क्या लगता है, क्या इस सारे में टाटा एम्पायर्स को खड़ा करने में और आगे लेके जाने में उसकी गवर्नमेंट का हाथ है और यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट रोल प्ले कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली रोल प्ले कर सकती है और रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज, इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिडेम्पशंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट करती है. अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज को देखें, आप टेक्सटाइल को देख लें, आप फर्टिलाइजर्स को देख लें, आप फार्मर्स को देख लें, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि वो नए नए बिजनेसेस प्रमोट करती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है. जैसे अभी ई कॉमर्स एक नई चीज़ है जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रही है. अभी रिसेंटली लास्ट मंथ अगस्त के अंदर जो है हमारी कैबिनेट ने एक सीपेक एक ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है बिल पास करा है जिसकी वजह से बिग कंपनीज लाइक अलीबाबा, अमेजोन आर कमिंग इनटू प्ले एंड ई कॉमर्स इज आल्सो बूमिंग. सो पहले जिस तरह हम लोग देखते थे ट्रेडिशनली लेदर के बिजनेस चल रहा है, टेक्सटाइल का चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा जो है हम फार्मिंग की तरफ जाते थे, अब एक ई कॉमर्स भी एक नया सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट ने पहचाना है और अब आप देखें आगे जाके काम कैसे करेगा. एयरलिफ्ट टाइप कंपनीज, फूड पैंडा, करीम, ऊबर, ये सारी कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरेस्ट ले रही हैं. सो आई फील इकोनॉमी इज एक्चुअली ऑन द बूम एंड इट इज शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड एंड इन फ्यूचर 2 ईयर्स डाउन द लेन पाकिस्तान विल बी अ सॉलिड कंट्री एंड इट विल गिव अ वेरी टफ टाइम टू. अच्छा चाचा एक बात बताओ, क्या टोपा क्या होता? टोपा जाड़े में लगाया जाता. जो आदमी दिमाग से पैदल, बुद्धि से गधा, अकल से बैल होता है उसको हम कहते टोपा. ये है टोपा आदमी. टाटा एम्पायर जो है अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए तो वो बेनिफिशियल है ही है कि पूरे मुल्क में जो है उनके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, हर छोटे से लेके बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट तक उनका प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो लोग अपनी कंट्री इंडिया के लिए वो कितनी बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल. आई थिंक दे कंट्रीब्यूट अ ह्यूज पार्ट टू द जीडीपी. तो उनका जितना भी जीडीपी है टाटा इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट एज वेल. इसके अलावा मेरा ख्याल है कि वो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फिर लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए. तो वो उससे उनका सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ये लाइक मल्टी लेवल इसकी एक सपोर्ट है इंडिया की इकोनॉमी को. टाटा एक ऐसी कंपनी है जो एक छोटी से छोटी माइनर चीज़ एक सुई कंसीडर होती है, सुई से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है वो. आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में इस चीज़ को इनहैबिट नहीं करवाना चाहिए? पाकिस्तान में बिल्कुल करवाना चाहिए और बल्कि कोरोना में ऐसे हुआ भी. कोरोना में क्योंकि मास्क की काफ़ी शॉर्टेज थी तो जिस तरह मैसी फर्गसन हमारी एक बड़ी मशहूर कंपनी है तो दे एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन मास्क. फिर इस तरह मल्टीफॉर्म वाले उन्होंने अपने मास्क खुद बनाए. तो जितनी बड़ी कंपनीज जब वो फील करती हैं कि इतने एक डेफिसिट पे चीज़ है तो बजाय बाहर से इंपोर्ट करवाने के उन्होंने ये सैनिटाइजर्स और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुद बनवा ली. तो आई गेस हो रहा है वो जिस तरह वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब जरूरत पड़ेगी लोगों को खुद ही होगा. आपको क्या लगता है आने वाले फर्दर टाइम में जो है इंडिया के अंदर टाटा जैसी और कंपनीज बनेंगी या पाकिस्तान भी इस चीज़ में कुछ करेगा? इंडिया तो फॉर श्योर वो आईटी में काफ़ी बूम कर रहा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, उनके जो यूथ फोरम्स हैं वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तरक्की के ऊपर फोकस कर रहे हैं. हाँ उनके अंदर अपने कल्चरल इश्यूज़ हैं जैसे पाकिस्तान में हैं बट वो उस सबको हटा के दे नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज़. और पाकिस्तान की अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर भी कंपनीज आ रही हैं जैसे ऊबर हो गई, करीम हो गई, फूड पैंडा, दराज एक्सेट्रा, तो वो भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं. लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं वहाँ उन कंपनीज में जॉब करके के यू नो वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स. तो होपफुली सून नहीं बट 5-10 साल में इंशाल्लाह वी विल सी अ चेंज इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान के वो मुल्क के लिए कुछ करें और कुछ इस तरह की कंपनीज प्रोड्यूस.